सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया है और स्टॉक खत्म होने की वजह से कनेक्शन की तंसीब का काम भी बंद हो चुका है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन की तंसीब अल्तवा का शिकार है। सार्फिन ने लाखों के डिमांड नोटिस जमा कराए लेकिन कनेक्शन ना मिल सका। आपको बताएं कि सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में मीटर का स्टॉक खत्म हो गया है और स्टॉक खत्म होने की वजह से कनेक्शन की तंसीब का काम भी बंद कर दिया गया है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन की तंसीब अल्तवा का शिकार है। सार्फिन ने लाखों के डिमांड नोटिस जमा कराए लेकिन कनेक्शन ना लगाए जा सके। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में मीटर का स्टॉक खत्म होने का मामला है। स्टॉक खत्म होने की वजह से कनेक्शन की तंसीब का काम बंद कर दिया गया है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की जानिब से कनेक्शन की तंसीब भी इल्तिवा का शिकार है। सार्फिन ने लाखों के डिमांड नोटिसेज जमा कराए लेकिन कनेक्शन ना मिल सका। इसी पर बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, बताएगा क्या मामला है ये? नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में मीटर्स का जो किल्लत है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फीन पर जो कनेक्शंस हैं उनकी तंसीब का काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जरानी ये बताया है कि घरेलू सार्फीन की जानिब से हज़ारों ऐसे सार्फीन हैं जिन्होंने लाखों रुपए के डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं, लेकिन चूँकि कंपनी के पास मीटर्स ख़त्म होने की बुनियाद पर उनको कनेक्शन फराहम नहीं किए जा रहे। इसी तरह वो सार्फीन जिनके बिलों की अदम अदायगी या दीगर वजूहत की बुनियाद पर कंपनी उनका कनेक्शन मुनक़ता कर रही है, तो अगर वो रिकनेक्शन अपने मुकम्मल करवाने के बाद मीटर्स की तंसीब के हवाले से कहें तो उनको यही जवाब दिया जा रहा है कि कंपनी के पास मीटर्स मौजूद ना होने की वजह से उनको कनेक्शन या उनकी रिकनेक्शन जो है वो नहीं हो सकती। अगर बात की जाए लाहौर रीजन की तो ओगरा की जानिब से रवां साल तकरीबन 48,000 के करीब सार्फीन को कनेक्शन फराहम करने के हवाले से मंजूरी दी गई थी, लेकिन चूँकि अब मीटर्स ख़त्म हुए तो इसकी वजह से इल्तवा का शिकार हुआ यह सिस्टम और वो सार्फीन जिनका कोटा पहले ही कम कर दिया गया था अब उनको कनेक्शन फराहम करने में कंपनी को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस पर सुई नॉर्दर्न हुकाम का यह कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वह मीटर्स की जो सप्लाई है वो बहाल हो जाएगी, जिसके बाद सार्फीन के कनेक्शन की बहाली का काम भी शुरू होगा और वो सार्फीन जिनके कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं उनकी रिकनेक्शन पर भी मीटर की तंसीब होगी। जी जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।